नमस्ते दोस्तों, मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हमने गुजिया बनाने जा रहे थे, तीज में हमने गुजिया बनाए थे तो टाइम नहीं मिला दोस्तों, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाए। तो अब हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे बनता है गुजिया। तो यहाँ हमने 250 ग्राम मैदा ले लिए हैं, उसमें रिफाइंड तेल डाल दिए हैं, मोम बोलते हैं इसे, और इसके बाद हम मिला लेंगे इसे। तो देखिएगा कि मुट्ठी बना रहा है तो अच्छा खस्ता बनेगा एकदम गुजिया। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ लेंगे अच्छे से एकदम। तो गूँथने के बाद, तो देखिए यहाँ हमने गूँथ लिए हैं इसे। गूँथने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ सूजी को पहले भून लेंगे। यहाँ हमने घी डाले हैं सूजी के, अच्छे से पहले भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें बादाम भूनेंगे और बादाम को भी थोड़ा भून लेंगे और इसे भी हम भून करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा मखाना भूनेंगे, इस सब को भून करके एकदम निकाल लेंगे। उसके बाद हम, तो यहाँ देखिए बादाम भूनना रहा है, यहाँ बादाम को हम निकाल लिए हैं। तो अब इसी में हम मखाना को भूनेंगे। तो इसे हल्का भून लेना है और इसे हम हाथ से मिस करके देखेंगे कि अच्छा से मिसा रहा है कि नहीं। तो मिसा जाएगा तो अच्छे से भुना जाएगा। तो भुन गया है तो अब इसे सबको ठंडा करके उसके बाद हम मिक्सर जार में इसे दरदरा पीस देंगे। इसमें हम 3 इलायची डाले हैं, इसे दरदरे पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। और भुना हुआ सूजी में हम खोआ बाजार से मंगाए थे, खोआ करीब 250 ग्राम खोआ है। इस सबको हम पहले खोए को डालेंगे, उसके ऊपर से हमने जो बादाम और मखाना भूने से उसे डालेंगे। थोड़ा हम यहाँ चीनी डालेंगे, यहाँ करीब चीनी भी हमारा 200 ग्राम है। और यहाँ किशमिश डाल के इस सबको हाथ से हम पहले मिला लेंगे। और इसमें कुछ घी नहीं डालना है क्योंकि हम सूजी को घी में ही भुने थे। तो देखिए इस तरह से हमने सबको मिला करके एकदम तैयार कर लिए हैं, देखिए इस तरह से। तो अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इधर हमारा आटे को गूँथा हुआ 10 मिनट हो गया था, तो इसे हम फिर से हाथ से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो इसे अब हम गोल लोइया करके इसे हम बेलने से बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इसे गिलास, बड़ा गिलास से कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम कट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसके साचा के ऊपर आटे को रख लेंगे और उसके ऊपर से 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे, ऊपर हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से एकदम हार्ड जांतेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें हाथ से इसे चिपका लेना है और इसमें पानी ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं चिपक जाएगा। तो देखिए यहाँ एकदम अच्छे से एकदम बन करके एकदम तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे गुजिया को पहले बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हम सारे गुजिया को पहले बना लिए हैं, उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में हमने धारा तेल डाल दिए हैं, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ तेल हल्का गर्म हुआ है तो हम धीरे धीरे करके इसे डालेंगे और ये पकना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे डाल रहे हैं। तो यहाँ अच्छे से एकदम पकने लगा है, तो इसे हम उलट पलट कर करके पका लेंगे, छान लेंगे अच्छे से। तो छन जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से छन गया है, कितना अच्छा लग रहा है गुजिया। तो इधर हम बाहर अभी से निकाल लेंगे सारे गुजिये को, इस तरह से हम छन करके बना लेंगे। तो हमारा गुजिया आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।